इस कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जो समुद्र से सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और तभी उन क्रिएचर्स में से छोटे छोटे पैरासाइट निकलने लग जाते हैं जो सिटी में फैलने लग जाते हैं। फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है जहां एक आदमी अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है कि तभी एक पैरासाइट उसके रूम में आ जाता है। पैरासाइट रेंगते हुए उस आदमी के कान में घुस जाता है जिससे वो आदमी तड़पने लग जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। फिर हमें शिंजी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है कि तभी एक पैरासाइट उसके रूम में आ जाता है और फिर वो उसके कान के पास जाकर उसमें घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन लगे होने की वजह से वो शिंजी के कान में नहीं घुस पाता। फिर वो पैरासाइट उसके नाक के पास जाता है और उसकी नाक में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात का पता शिंजी को चल जाता है और फिर वो उस पैरासाइट को पकड़कर दीवार पर फेंक देता है और उस पैरासाइट को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके राइट हैंड पर हमला कर देता है और उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। शिंजी ये देखकर काफी डर जाता है, फिर वो अपने हाथ केबल से बांध लेता है जिससे वो पैरासाइट उसके हाथ से आगे नहीं बढ़ पाता। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और उन्हें बताता है कि मेरे हाथ में सांप घुस गया है, और जब वो उस केबल को हटाकर चेक करती है तो वहाँ कुछ नहीं होता और उसकी मॉम को लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। शिंजी भी काफी परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर अगली सुबह जब शिंजी नाश्ता करने आता है तो उसे अपने राइट हैंड में बहुत अजीब सा लगने लग जाता है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके कान में कल रात वो पैरासाइट घुस गया था। वो अपनी वाइफ के पास आता है और उसकी तरफ देखने लग जाता है, तभी उसका मुंह बहुत ही खौफनाक तरीके से खुल जाता है, यानी कि अब वो एक पैरासाइट बन गया था। और जब तक कि उसकी वाइफ कुछ समझ पाती तब तक वो अपने खौफनाक मुंह से उसका पूरा शरीर खा लेता है। वहीं फिर हमें शिंजी को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड सतोमी के साथ स्कूल जा रहा होता है कि तभी वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लग जाता है जिससे उसकी फ्रेंड उसके पास से चली जाती है। और आज पूरे दिन शिंजी को स्कूल में अपने हाथ बहुत अजीब सा लगता है जैसे उसमें बहुत पावर आ गई हो। वो जब घर वापस आता है तो अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अपने हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो जैसे ही अपने हाथ को काटने लगता है तभी उसका हाथ मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। फिर वो शिंजी से बातें करने लग जाता है और वो क्रिएचर अपना नाम मिगी बताता है और वो शिंजी को कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसीलिए तुम मुझे कभी मत काटना क्योंकि अगर तुमने मुझे अलग कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब मिगी शिंजी के साथ बुक्स पढ़ने लग जाता है और उसका लैपटॉप भी यूज किया करता था। जब मिगी ने शिंजी की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो शिंजी ने उसे आगे जाने से रोक लिया था, इसीलिए अब ये शिंजी के राइट हैंड को ही कंट्रोल कर सकता था। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि शहर में बहुत सारे पैरासाइट घूम रहे होते हैं और वो लोगों को मारकर उसका मांस खा रहे होते हैं। फिर अगले दिन जब शिंजी बस से कहीं जा रहा होता है तो मिगी को वहाँ पास में किसी दूसरे पैरासाइट के होने का एहसास होता है और वो शिंजी को जबरदस्ती ही उस तरफ लेकर जाता है। तो एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि एक पैरासाइट इंसान को खा रहा होता है। वो पैरासाइट जब शिंजी को देखता है तो उसे लगता है कि ये भी एक पैरासाइट है और उसे भी इंसानों का मांस खाने के लिए देता है, लेकिन शिंजी उसे नहीं खाता जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका दिमाग अभी भी एक्टिव है, यानी कि वो पूरी तरीके से पैरासाइट नहीं बना है। तो वो शिंजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और अपना मुंह खोल लेता है। ये देखकर शिंजी काफी डर जाता है, लेकिन मिगी शिंजी को बचाने के लिए उस पैरासाइट को ही मार डालता है और शिंजी की जान बचा लेता है। शिंजी मिगी को कहता है कि तुमने अपने एक साथी को मार दिया, तो वो कहता है कि अगर वो तुम्हें मार देता तो मैं भी मर जाता, यानी कि मिगी ने अपने फायदे के लिए उसे मारा था। फिर हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें मारने वाला कौन है, क्योंकि पैरासाइट किसी को भी मारने के बाद अपना रूप बदल लेते थे। वहीं हमें शिंजी को दिखाया जाता है जो भी ये न्यूज देख रहा होता है वो काफी परेशान होता है। फिर वो मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाओ। तो मिगी उसे कहता है कि जिस तरह तुम इंसान जानवरों को खाते हो उसी तरह हम पैरासाइट इंसानों को खाते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वहीं फिर हमें उस रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि लोगों को इतनी बुरी तरीके से कौन मार रहा है। वहीं जब अगले दिन शिंजी स्कूल में होता है तो मिगी उसे बताता है कि हमारे आसपास एक पैरासाइट है और वो पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि उनकी नई टीचर होती है। और जब वो शिंजी को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि शिंजी एक पैरासाइट है। और जब वो क्लास खत्म होने के बाद शिंजी से मिलती है तो शिंजी उससे काफी डर रहा होता है। तो शिंजी को कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो शिंजी उनसे पूछता है कि तुम यहाँ स्कूल में किस इरादे से आई हो। तो वो कहती है कि मैं बस इंसानों की तरह जीना चाहती हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहे। और फिर वो शिंजी को एक जगह लेकर जाती है जहाँ वो उसे दो और पैरासाइट से मिलवाती है जिनमें से एक स्टूडेंट होता है और
दूसरा एक पुलिस ऑफिसर और वो कहती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, इसलिए हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं और हम किसी को भी सरेआम नहीं मारेंगे, लेकिन हम छुपकर इंसानों का मांस खाना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? लेकिन मिगी इस बात को नहीं मानता। फिर जब शिंजी अपने घर लौट रहा होता है तो पुलिस ऑफिसर उन दोनों के पास आता है, तो मिगी शिंजी को बताता है कि हमें मारने आया है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि उस दिन रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट को मारा था। और मिगी शिंजी को कहता है कि मैं इसे लड़ाई तो कर लूंगा लेकिन इसे तुम्हें ही मारना होगा। और फिर मिगी और उस ऑफिसर में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन शिंजी उस ऑफिसर को नहीं मारना चाहता था लेकिन उसे मजबूर होकर उसे मारना पड़ता है। इससे वो काफी ज्यादा डर जाता है कि उसने एक इंसान को मार दिया है। तो मिगी समझाता है कि तुमने किसी इंसान को नहीं मारा क्योंकि वो एक पैरासाइट था जो हमें मारना चाहता था। वहीं फिर हमें उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उस पैरासाइट को लगता है कि वो अब इस बॉडी में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वहीं फिर हमें शिंजी की मॉम को दिखाया जाता है जो उसी रास्ते से गुजर रही होती है कि तभी उसे वहाँ उसी पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है और जब उसे देखने के लिए उसके पास जाती है तो पैरासाइट उसकी बॉडी से निकलकर शिंजी की मॉम में चला जाता है। वहीं जब शिंजी अपने रूम में सो रहा होता है तो मिगी को एहसास होता है कि कोई पैरासाइट उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, तो शिंजी को इस बारे में बताता है। और जब वो चेक करने के लिए नीचे जाते हैं तो वहाँ शिंजी की मॉम होती है और वो शिंजी को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही होती है, तो मिगी शिंजी को कहता है कि ये वही ऑफिसर है जिसने तुम्हारी मॉम की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन शिंजी कहता है कि ये सच नहीं है। तो मिगी उसे कहता है कि अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये तुम्हें मार देगा। तो शिंजी उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी माँ को मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ को कोई चोट पहुँचे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सर बाकी पैरासाइट की तरह खुलने लग जाता है और वो शिंजी पर अटैक करके उसके दिल में छेद कर देती है। और फिर ऑफिसर मिगी से कहता है कि तुमने इसका साथ दिया इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। और फिर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। शिंजी का बहुत खून बह रहा होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि शिंजी अभी भी जिंदा होता है और वो वापस खड़ा हो जाता है। तो मिगी उसे बताता है कि तुम बहुत ही जख्मी हो गए थे इसलिए मैंने तुम्हारे गांव को सही करने के लिए उसे अपने सेल से कवर कर लिया था और फिर मैं वापस से तुम्हारे हाथ में आ गया और अब तुम पूरी तरीके से सही हो चुके हो। लेकिन शिंजी अब बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी और उसकी बॉडी पर उस ऑफिसर ने कब्जा कर लिया था। फिर अगले दिन शिंजी उस टीचर से मिलने जाता है और उससे उस ऑफिसर के बारे में पूछता है क्योंकि वो अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था। फिर अगले दिन जब शिंजी अपने स्कूल जाता है तो उसे वहाँ वही स्टूडेंट मिलता है जिसे टीचर ने उसे मिलवाया था और वो स्टूडेंट उसे कहता है कि मैंने भी इस स्कूल में एडमिशन ले लिया है और फिर उसे दोस्ती करने का नाटक करता है। लेकिन शिंजी को समझ आ जाता है कि इसके इरादे अच्छे नहीं है। वहीं जब शिंजी वापस घर जाता है तो मिगी उसे बताता है कि मैंने तुम्हें सही करने के लिए मेरे सेल तुम्हारे शरीर में डाले थे, इसी वजह से तुम्हें भी मेरे जैसी क्वालिटी आ गई है और अब मुझे भी दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि उस वक्त मेरी हालत मरे हुए इंसान जैसी होगी, इसलिए तुम्हें अकेले ही अपना ध्यान रखना होगा। वहीं जब अगले दिन शिंजी अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रहा होता है कि तभी वो देखते हैं कि रोड पर एक डॉग मरा हुआ है, तो उसकी फ्रेंड सतोनी को उसके लिए काफी दुख होता है, तो शिंजी उस डॉग को रोड से उठाकर ले आता है और उसे कचरे में डाल देता है क्योंकि अब उसमें इंसानों की तरह फीलिंग खत्म हो रही थी और वो भी धीरे धीरे पूरी तरीके से पैरासाइट बन रहा था। ये देखकर उसकी फ्रेंड को भी बहुत अजीब लगता है कि उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं रही और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं क्लास में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि वो नया स्टूडेंट एक पैरासाइट है, तो वो लड़का सभी को मारने लगता है। ये देखकर सतोनी उसके ऊपर एसिड डाल देती है जिससे उसका मुंह जल जाता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी को मारने लग जाता है। वहीं शिंजी को इस बात का पता चल जाता है और वो भी उसी रूम की तरफ आ रहा होता है और सभी स्टूडेंट स्कूल से भाग रहे होते हैं। और जब शिंजी क्लास में पहुंचता है तो काफी डर जाता है क्योंकि उस लड़के ने सभी स्टूडेंट को मार दिया होता है। फिर मिगी उसे शांत करता है। वहीं वो पैरासाइट लड़का सतोनी को भी मारने वाला होता है कि तभी वहाँ शिंजी पहुंच जाता है और अपनी दोस्त को बचा लेता है और उससे लड़ने लग जाता है। तभी वहाँ वो टीचर आ जाती है और वो चाहती थी कि पैरासाइट का राज किसी को पता न चले, इसीलिए वो वहाँ अपना बनाया हुआ बॉम्ब जला देती है। ये देख शिंजी अपनी दोस्त को लेकर नीचे कूद जाता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब पुलिस भी अपनी आर्मी लेकर वहाँ पहुँच चुकी होती है। शिंजी अपनी दोस्त को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज देता है क्योंकि उसे चोट लगी थी। वहीं जब वो ऑफिसर स्कूल के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पैरासाइट ब्लास्ट में भी बच गया था और वो उन सभी पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। वहीं मिगी शिंजी को बताता है कि वो लड़का अभी भी जिंदा है, तो शिंजी
जी को एक आइडिया आता है और वो दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर एरो की मदद से उसे मार देता है। तभी उसके पास वो टीचर आती है और उसे उस ऑफिसर का एड्रेस दे देती है जिसने उसकी माँ को मारा था। और जब शिनजी उस जगह पर पहुँचता है तो उसे वो ऑफिसर दिखाई देता है जो उसकी माँ के अंदर था। लेकिन तभी मिगी के सोने का टाइम हो जाता है तो शिनजी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अब मिगी उसके साथ नहीं लड़ सकता था। तो मिगी उसे कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बस मैं तुम्हारे लिए सोर्ड बन सकता हूँ। वहीं फिर मिगी सो जाता है और वो सोर्ड में तब्दील हो जाता है। फिर शिनजी उस पैरासाइट पर हमला करने लग जाता है जिससे उस ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि अब ये पूरी तरीके से पैरासाइट बन चुका है क्योंकि इंसान में इतनी फुर्ती नहीं होती और वो मेरे वार से नहीं बच सकता था। शिनजी और ऑफिसर में बहुत फाइट होती है और फाइनली शिनजी जैसे तैसे करके उस पैरासाइट की गर्दन काट देता है जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनजी अपनी दोस्त से हॉस्पिटल मिलने जाता है जहां वो डिसाइड करता है कि वो एक एक पैरासाइट को ढूंढकर उसे मार देगा ताकि वो इंसानों को बचा सके। वहीं हमें एक जासूस को दिखाया जाता है जो चिपका शिनजी और मिगी की फोटो ले रहा होता है। और यहीं पर इस मूवी का पार्ट 1 एंड हो जाता है। और गाइस अब मैं आपको पैरासाइट मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। इस कहानी की शुरुआत पैरासाइट 1 मूवी के बाद से होती है जहां हमें आर्मी को दिखाया जाता है जिन्हें पता चल चुका होता है कि शहर में हर जगह पैरासाइट घूम रहे हैं और वो इंसानों को अपना शिकार बना रहे होते हैं। इसीलिए आर्मी सभी पैरासाइट को मारना चाहती है ताकि इंसानों को बचाया जा सके। इसके लिए वो जेल से उरागामी नाम के एक सीरियल किलर को लेकर आते हैं क्योंकि वो इंसानों में से पैरासाइट को पहचान सकता था। ऑफिसर उसके सामने एक एक करके इंसानों को लेकर आते हैं तो सबको नॉर्मल कह देता है। लेकिन जब उसके सामने शिनजी आता है तो काफी सोच में पड़ जाता है लेकिन फिर वो उसे भी नॉर्मल बता देता है। वहीं जब शिनजी वापस अपने घर लौट रहा होता है तो मिगी उसे बताता है कि मुझे यहाँ पास में एक पैरासाइट महसूस हो रहा है। तो शिनजी उसे मारने के लिए उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर वो पैरासाइट एक इंसान को खा रहा होता है। और जब वो पैरासाइट शिनजी को देखता है तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन फिर शिनजी और मिगी दोनों मिलकर उसे मार देते हैं क्योंकि अब शिनजी भी पैरासाइट को मारना सीख गया था। तभी उसे वहाँ किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता क्योंकि उस जासूस ने अपने आप को छुपा लिया होता है। ये वही जासूस होता है जिसने इस मूवी के पहले वाले पार्ट में शिनजी और मिगी की पिक्चर्स क्लिक की होती है। शिनजी और मिगी घर जाकर खाना बनाते हैं। फिर हमें इस शहर के मेयर को दिखाया जाता है जिसकी बिल्डिंग में बहुत सारे पैरासाइट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वही इन पैरासाइट से लोगों को मरवा रहा होता है। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि वो टीचर भी उसके साथ ही काम करती है और अब उस टीचर का बेबी भी हो चुका था जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन था। मेयर को पता चल गया था कि शिनजी पैरासाइट को मार रहा है तो वो भी उसे मारना चाहता था लेकिन टीचर उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि शिनजी और मिगी आपस में जुड़े हुए हैं तो मैं देखना चाहती हूँ कि इंसान और पैरासाइट एक साथ कैसे रह सकते हैं। और इसीलिए उसी ने शिनजी के पीछे वो जासूस भेजा था ताकि वो उस पर नजर रख सके। शिनजी एक दिन अपने घर जा रहा होता है तो उसे फिर से फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो शिनजी उसे पकड़ लेता है तो जासूस उसे कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और फिर वो उसे घर लेकर जाता है जहाँ वो उसे अपनी क्लिक की हुई सारी पिक्चर्स दिखाता है और वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए जिससे वो तुम्हारी मदद कर सके। तो शिनजी कहता है कि मैं पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी माँ को एक पुलिस ऑफिसर ने ही मारा था। फिर शिनजी उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मुझे उस टीचर ने तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था। तो शिनजी उसे कहता है कि वो भी एक पैरासाइट है। तो जासूस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर शिनजी टीचर के पास जाता है और कहता है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो, ये करना बंद क्यों नहीं कर देते। तो टीचर उसे कहती है कि तुम भी तो हमारे साथी पैरासाइट को मार रहे हो, वो अभी सिर्फ इंसानों को खाना सीख रहे हैं और कुछ देर बाद वो उनको मारना भी बंद कर देंगे। तो शिनजी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका प्लान होता है ताकि वो रिकॉर्डर की मदद से उस जासूस को बता सके कि वो टीचर भी एक पैरासाइट है और होता भी ऐसा ही है। ये सच जानने के बाद वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो टीचर को पसंद करने लगा था। फिर शिनजी उसे कहता है कि वो टीचर एक बहुत ही खतरनाक पैरासाइट है, इसीलिए तुम्हें उसका साथ छोड़ना होगा वरना वो तुम्हें मार डालेगी। फिर शिनजी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो जासूस उस मेयर से मिलता है क्योंकि उसे शिनजी की बात को टेस्ट करना था कि वो सच बोल रहा है या नहीं। तो इसीलिए वो मेयर के रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है लेकिन मेयर को इस बारे में पता चल जाता है और वो असिस्टेंट को उस जासूस को मरवाने के ऑर्डर दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अब उनके लिए खतरा बन सकता है। वहीं हमें शिनजी को दिखाया जाता है जो अब अपने घर जा रहा होता है तो उसकी दोस्त सतोमी उससे मिलने आती है क्योंकि शिनजी अपनी मोम के मर जाने के बाद बहुत दुखी होता है। सतोमी उसे बातें कर रही होती है कि तभी मिगी उसे बताता है कि हमारी तरफ एक और पैरासाइट बढ़ रहा है। ये सुनते
हृदय शिंजी सतोमी के पास से दूर चला जाता है। वहीं फिर हमें उस जासूस को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहता है। वो कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाता है। वहीं शिंजी मिगी से पूछ रहा होता है कि ये पैरासाइट हमसे कितनी दूर है और वो किस लिए हमारी तरफ आ रहा है। तो मिगी उसे बताता है कि वो हमें मारने के लिए हमारी तरफ आ रहा है और वो एक नहीं बल्कि पांच है। तो शिंजी काफी डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन मिगी उसे भागने से मना करता है क्योंकि पैरासाइट एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कितनी दूरी पर है। इसीलिए शिंजी एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है। तभी वहाँ मेयर का भेजा हुआ वो पैरासाइट आता है जिसका नाम गोटू होता है। मिगी शिंजी को बताता है कि इसके हाथ पैर और गर्दन में पांच पैरासाइट है, इसलिए इसे मारना बहुत मुश्किल है। तो शिंजी वहाँ से भागने लगता है। वहीं फिर हमें उस जासूस को मारने के लिए भेजे गए दो पैरासाइट को दिखाया जाता है जो जासूस को मारने के लिए उसके घर जाते हैं। वहीं हमें उस जासूस को दिखाया जाता है जो सामान लेकर वापस घर जाता है। तो ये देखकर बहुत दुखी होता है कि पैरासाइट ने उसकी बेटी को मार दिया है। वहीं हमें शिंजी को दिखाया जाता है जो उस पैरासाइट से बचकर भाग रहा होता है। फिर शिंजी मिगी की मदद से उस पर हमला करता है और उसकी गर्दन काट देता है। मिगी उसे बताता है कि अभी भी इसमें चार पैरासाइट बाकी है। तो शिंजी उसे कहता है कि हमें इसके हार्ट को खत्म करना होगा। तभी वो देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग आ रहे हैं। तो शिंजी पकड़े जाने के डर से वहाँ से भाग जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि गोटू का कटा हुआ सर वापस से जुड़ जाता है। वहीं वो टीचर मेयर के पास जाती है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी मेयर बनने में मदद की थी, तो फिर भी तुमने मेरे मना करने के बाद भी जासूस और शिंजी को मारने के लिए पैरासाइट क्यों भेजे। तो मेयर उसे कहता है कि वो हमारे लिए खतरा बन रहे थे। टीचर कहती है कि फिर तुमने उस छोटी लड़की को क्यों मारा, उसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। मेयर समझ जाता है कि उस टीचर के दिल में माँ बनने के बाद इंसानों वाले इमोशन वापिस आ रहे थे, तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उस टीचर को मारने के लिए तीन पैरासाइट भेजता है। लेकिन वो टीचर भी एक पैरासाइट थी, तो उसको पता चल जाता है कि उसे कोई मारने आ रहा है और फिर वो उनको पार्किंग में बुलाती है और उन तीनों पैरासाइट को अकेले ही मार डालती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसका बेबी वहाँ नहीं होता और उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और बीच पर मुझसे मिलने आओ। टीचर समझ जाती है कि उसके बच्चे को वो जासूसी लेकर गया है क्योंकि वो उसकी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था। वही हमें आर्मी को दिखाया जाता है जो पैरासाइट को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि मेयर ही इन सब के पीछे है और उसने अपनी बिल्डिंग में बहुत सारे पैरासाइट को छिपा रखा है। इसीलिए आर्मी अपनी सारी तैयारी के साथ उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे डिवाइस को बना लिया होता है जिससे वो चेक कर सकते हैं कि पैरासाइट कौन है। फिर वो बिल्डिंग के सभी लोगों को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं और उन लोगों में से जो भी पैरासाइट होता है उसे वो साइड में ले जाकर मार देते हैं। वहीं फिर हमें जासूस को दिखाया जाता है जो उस बेबी को लेकर एक ब्रिज पर पहुंच चुका होता है। तभी वहां पर टीचर और शिंजी भी आ जाते हैं। शिंजी उस जासूस को कहता है कि तुम्हें इस मासूम बच्चे को मारकर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेबी एक नॉर्मल इंसान है। वहीं दूसरी तरफ हमें आर्मी को दिखाया जाता है जो मेयर की बिल्डिंग में जाते हैं और उनके साथ वो सीरियल किलर भी होता है जो पैरासाइट को देखते ही पहचान लेता है और वो आर्मी को बता रहा होता है कि कौन पैरासाइट है और कौन नहीं। और वो जैसे आर्मी को पैरासाइट के बारे में बताता है तो आर्मी उस पैरासाइट को वहीं मार देती है। वहीं दूसरी तरफ टीचर को दिखाया जाता है जो उस जासूस को समझा रही होती है कि तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। जासूस उस बच्ची को फेंकने वाला होता है तो टीचर को अपने बेबी को बचाने के लिए मजबूरी में पैरासाइट बनना पड़ता है। वो अपने आधे सिर से उस जासूस की चेस्ट पर हमला कर देती है जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है और फिर टीचर अपने बेबी को पकड़ लेती है। वहीं हमें आर्मी को दिखाया जाता है जो मेयर के पास पहुंचती है तो पैरासाइट के फेवर में बोलता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है जो कि पैरासाइट को बिना वजह मार रहे हैं। ये सुनते ही सारी आर्मी मेयर पर फायर कर देती है जिससे उसकी वही डेथ हो जाती है। तभी वो सीरियल किलर हंसते हुए कहता है कि वो एक इंसान था। तभी वहाँ गोटू आ जाता है जिसे देखकर वो सीरियल किलर काफी डर जाता है और वो आर्मी को बताता है कि ये इंसान नहीं है। तो आर्मी उस पर फायर कर देती है लेकिन गोटू बहुत ही पावरफुल होता है इसीलिए उसे कुछ नहीं होता और वो सारी आर्मी को वहीं मार देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस टीचर के पैरासाइट होने की वजह से उस पर फायर करने लगती है तो टीचर समझ जाती है कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। तो वो अपना बेबी शिंजी को पकड़ाने आती है और वो जैसे ही उस बेबी को शिंजी को पकड़ाती है तो बहुत ज्यादा गोलियां लगने की वजह से उसकी फौरन वही डेथ हो जाती है। यहाँ पर शिंजी को अपनी मम्मी याद आने लगती है और उसमें इंसानों वाली फीलिंग दोबारा से आने लग जाती है और वो रोने लग जाता है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड सतोमी भी आ जाती है और वो उसे हग कर लेती है। फिर पुलिस शिंजी को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेकर जाने लगती है कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि उस गोटू ने पूरी आर्मी को मार दिया है। ये देखकर वो फौरन वहाँ जाते हैं और वो शिंजी को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। तभी वहाँ गोटू उन पर हमला कर देता है। ये देखकर ऑफिसर शिंजी को यहाँ से भगा देता है और फिर मिगी शिंजी को
कार में लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि मिगी ने बुक से ड्राइविंग सीख ली होती है। वहीं फिर गोटू एक बाइक से उनके पीछे जाता है और वो शिंजी की कार का एक्सीडेंट कर देता है। फिर शिंजी उससे बचने के लिए जंगल में चला जाता है, लेकिन तभी मिगी उसे कहता है कि भागने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो हमें ढूंढ लेगा, इसीलिए हमें अलग अलग होकर उस पर वार करना होगा। फिर मिगी गोटू से लड़ने लग जाता है और शिंजी उस पर वार करता है, लेकिन गोटू उसे पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है जिससे उनका ये प्लेन फेल हो जाता है। और मिगी शिंजी से कहता है कि तुम यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ क्योंकि हम में से किसी एक का जीवित रहना बहुत जरूरी है। मिगी ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसमें और शिंजी में अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो मिगी शिंजी के खातिर अपनी कुर्बानी दे देता है और शिंजी को वहाँ से भाग जाने को कहता है और मिगी को गोटू मार देता है, जिस पर शिंजी काफी उदास हो जाता है। फिर शिंजी अपनी दोस्त के घर पर जाता है, वो उसका बहुत ख्याल रखती है। वो सोया हुआ होता है कि वो एकदम देखता है कि उसके बाजू में से मिगी का एक हिस्सा ग्रो कर रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मिगी ने अपनी बॉडी के हिस्से से उसकी बॉडी को ठीक किया था तो मिगी के सेल्स भी उसकी बॉडी में आ गए थे, इसीलिए वो चाहता तो दोबारा ग्रो कर सकता था। शिंजी को फील हो गया था कि मिगी वापस से ग्रो कर रहा है तो गोटू को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, तो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए उसको बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाता है तो गोटू उसके पीछे पड़ जाता है और शिंजी भागते हुए एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां पर कचरे को जलाया जाता है, और वहां गोटू शिंजी को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शिंजी उससे हर बार बच जाता है और वो एक केमिकल रोड उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें मारकर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा और फिर मैं और बाकी पैरासाइट इस दुनिया पर राज करेंगे। वो शिंजी को मारने वाला होता है कि मिगी फौरन से उसकी बॉडी से दोबारा ग्रो कर जाता है और उस पैरासाइट पर अटैक कर देता है। इसी के साथ उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा होने लग जाता है और वो तड़पने लग जाता है, तो मिगी शिंजी को बताता है कि जिस रोड से तुमने उसको मारा था उस पर बहुत सारे केमिकल लगे हुए थे और अब पैरासाइट इसकी बॉडी में नहीं रहना चाहते और एक एक करके सब पैरासाइट उसकी बॉडी छोड़ देते हैं और अब सिर्फ उसकी बॉडी का ढांचा ही बाकी रह गया था। तो शिंजी उसे उठाकर नीचे आग में फेंक देता है जिससे फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब सिटी में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो मिगी शिंजी से कहता है कि अब इस दुनिया में और कोई भी पैरासाइट नहीं रहा तो हमें भी साथ नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं बहुत गहरी नींद सो जाऊंगा और तुम्हारा हाथ वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन शिंजी उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी मिगी उसकी नहीं सुनता और अपने आप को खत्म कर लेता है और शिंजी का हाथ वापस से नॉर्मल हो जाता है, जिस पर वो काफी दुखी होता है क्योंकि अब उसका दोस्त उसके पास नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी टाइम गुजर गया है और शिंजी और उसकी दोस्त अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और वो उस टीचर के बेबी से भी मिलने जाया करते थे कि अचानक हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर वापस आ गया था और वो शिंजी की दोस्त को किडनैप कर लेता है। वो उसके कान में कहता है कि असली मॉन्स्टर इंसान है, लेकिन सतोमी उसे कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम लोग हो जो लोगों को मारते हो, तो इस बात पर वो सीरियल किलर उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। लेकिन शिंजी फौरन से जाता है और अपना हाथ लंबा करता है, लेकिन वो नीचे गिर चुकी होती है और उसे लगता है कि वो मर गई है और वो काफी दुखी होता है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके हाथ के साथ लटकी होती है, यानी कि मिगी ने उसका हाथ लंबा करके सतोमी को बचा लिया था। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और मिगी को थैंक्स कहते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।